हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नाम है अमन सिंह और आज मैं स्टूडियो में आपसे बात करने वाला हूँ प्लिंथ बीम के बारे में। वैसे प्लिंथ बीम की मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई थी, क्योंकि अच्छे इसलिए बोला कि रिस्पांस उसमें मुझे बहुत ही अच्छा मिला है और काफ़ी अच्छे कमेंट उस वीडियो में आए हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक जो होगी वो उसी प्लिंथ बीम की होगी। लेकिन अब ये सीरीज मैंने बोला है तो अब मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अब प्लिंथ बीम क्या है, काफ़ी जितने सब्सक्राइबर मेरे होंगे जो शुरुआत के होंगे उन्होंने शायद वो वीडियो देखी हो, और जो नहीं देख रहे होंगे तो ये वीडियो भले ना देखो लेकिन वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें काफ़ी डिटेल में बताया है प्लिंथ बीम क्या होती है, कैसे क्या आपको ध्यान रखना है, कितनी हाइट पे आपको लेना है। लेकिन थोड़ा सा मैं अलग यहाँ पे क्या, उस टाइम मेरे पास इतनी इमेज नहीं थी, यहाँ पे मुझे मतलब आपको समझाने के लिए बताना हो किस चीज़ के लिए आपको जरूरी है प्लिंथ बीम की हाइट रखना, तो वो मैं इस वीडियो में ज़रूर दिखा सकता हूँ। आप अच्छे से समझ जाओगे जो इस फील्ड के नहीं है, जो ज़्यादा इस फील्ड के बारे में जानते नहीं कि कैसे क्या प्लिंथ बीम होती है, क्या होता है, किस लिए प्लिंथ बीम डाली जाती है, क्या रीज़न होता है और ज़रूरी क्या है, फ्यूचर के आपसे क्या चीज़ इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आते हैं प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम को देखो, काफ़ी लोग अपने अपने लैंग्वेज में अलग अलग जगह काफ़ी अलग अलग लोग बोलते हैं। कुछ लोग टाई बीम बोलते हैं, कुछ लोग कुर्सी बीम बोलते हैं, कुछ लोग फाउंडेशन बीम भी बोल देते हैं इसे। लेकिन फाउंडेशन बीम तो गलत है, कुर्सी बीम बोल सकते हो, चलो ठीक है, ये एक तरह से कुर्सी बीम, घर का कुर्सी हो गई ये। और टाई बीम भी बोल दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो एक लैंग्वेज चल रही है, टाई बीम बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, उसमें इतना इशू नहीं है। लेकिन फाउंडेशन बीम बोलना गलत है इसे। तो आते हैं, चलो ये तो बात हुई प्लिंथ बीम क्या है, प्लिंथ बीम होती किस लिए है, पर्पज़ क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, मेरे ख्याल से डैम्पनेस के लिए प्लिंथ बीम बहुत अच्छी होती है। लेकिन अभी यहाँ डैम्पनेस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, सीलन की बात, जो ये सीलन नीचे से ऊपर आती है दीवारों में। प्लिंथ बीम खास कर है कि आपका घर जो रोड लेवल से कितनी ऊंचाई पर आपको रखना है, प्लिंथ बीम का मेन पर्पज़ यही है। क्यों, अब आप इमेज ये देखो, ये है एक्चुअली मेरी साइट थोड़ी सी यहीं पर चल रही थी, अब वो जो साइट एक्चुअली ख़त्म भी हो चुकी है, वो मैंने 4 फीट की हाइट पर रखा था उस घर को। उनके घर पे रैंप जो बना था उसमें गाड़ी नहीं चढ़ पा रही थी 4 फीट की हाइट के चक्कर में। आज वहीं पे ये रोड बन रही है, नाले खुद रहे हैं, नाले की हाइट इतनी होगी। अब ये देखो इमेज, कुछ घर हैं दब गए हैं, इनका बेसमेंट दब गया है, कुछ घर अभी ठीक ठाक हैं जो थोड़ा लेवल पे हैं अभी और रहेंगे लगभग 10-20 सालों तक, इस तरह रहेंगे ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन कुछ घर बहुत ज़्यादा दब गए हैं, गेट के बराबर इनकी जो है नाली आ गई, गेट के बराबर आ गई है। तो ये कंडीशन आपके साथ कभी ना हो। घर बन गया 40 साल बाद कोई कंडीशन आती तो चलो समझ में आता कि चलो भाई 40 साल हो गए, काफ़ी लंबा टाइम खिंच गया है, तो रोड ऊँची हुई तो कोई इतना इशू नहीं होता, तो कोई दिक्कत इतना है नहीं, चलो भाई टाइम भी पीरियड काफ़ी हो गया है। लेकिन आज अपने घर बनाया है और 5 साल बाद इस तरह या फिर 2 साल बाद इस तरह कोई कंडीशन आता है तो बड़ा दुख होता है यार कि हमने लेवल ऊंचा क्यों नहीं किया। अब जिनका मैंने लेवल ऊंचा करवाया था 4 फीट, आज वो खुद बोलते हैं कि हाँ आज मैंने लेवल ऊंचा कर लिया तो बहुत अच्छा कर लिया, तो यार इतना ऊंचा ऊंचा नाला बनना है, यहाँ पे रोड भी बनेगी इतनी ऊँची तो वैसे भी हमारा काफ़ी हाइट कम हो जाएगी। तो वो आज इस चीज़ से खुश हैं कि हाँ 4 फीट जो हमने लिया था, कार भले नहीं खड़ी हो पा रही थी अंदर, लड़ रहा था रैंप में, ज़्यादा रैंप आप निकाल नहीं सकते रोड पर, ये भी भाई देखना है। लेकिन आज वो खुश है कि हाँ चलो उस चीज़ का फ़ायदा हुआ जो हमने इतनी हाइट ली। तो वही चीज़ आप ध्यान रखो, जहाँ पे आपको प्लॉट है, देखो आप ये भी है कि आप अगर जहाँ पे बस्ती पहले से ऑलरेडी है, रोडें ठीक ठाक बनी हुई हैं तो वहाँ इतना इशू नहीं है। लेकिन जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ नई कॉलोनी बन रही है, तो वहाँ पर रोडें, नाली, खरंजे और सीवर लाइन, गैस पाइप लाइन, ये सब बाद ही बाद में होती हैं। रोड बन जाएगी उसके बाद कहो सीवर लाइन खुद जाए, फिर उसके बाद कहो गैस पाइप लाइन बन रही हो, तो इससे क्या है रोड की काफ़ी ऊंची होने लगती है, आपके घर के लेवल नीचे दबने लगता है। इसलिए प्लिंथ बीम यहाँ पर जरूरी पॉइंट फैक्टर यही है। प्लिंथ बीम काफ़ी लोग क्या करते हैं, रोड लेवल जो आपकी होगी कच्ची पक्की उसके बराबर करते हैं। आपको पता ही नहीं, आपका जो रोड लेवल है आप पहले एक अंदाज़ा रफली देख लो कि अगर नाली वाली, जैसे यहाँ कुछ नहीं था पहले, अब यहाँ नाली बन रही है, रोड बन रही है, तो यहाँ से कम से कम अगर रोड लेवल जैसा था कम से कम 4 फीट 4.5 फीट लेके चलो इन फ्यूचर के हिसाब से, कि 10-20 साल तक कुछ आपके घर में ना हो, कोई दिक्कत ना हो कि आपका घर डाउन हो जाए, आपका गेट डाउन हो जाए, लेवल डाउन हो जाए, तो 4 फीट कम से कम 4 साढ़े 4 फीट लेके चलो कि फ्यूचर के हिसाब से कि हमको इतनी हाइट पे रखना है, ठीक है, ये आप डिसाइड करोगे। अब मैं ये देख के नहीं बता सकता हूँ कि वहाँ पे आपके क्या डेवलपमेंट हो रहा है, रोड कच्ची है या पक्की रोड है, पक्की रोड है तो कम कर सकते हो, कच्ची रोड है तो आप बढ़ाना पड़ेगा, 4 फीट तो लेके चलना ही पड़ेगा, नाली खुदेगी, सब कुछ बनेगा, सीवर लाइन बनेगी, तो रोड जाहिर सी बात ऊपर होगी, तो ये मेन फैक्टर है। फिर आपको ये ध्यान रखना 4 साढ़े 4 फीट लेके चलना है आपको प्लिंथ बीम, ठीक है।
आप इसमें ये कर सकते हो, जो प्लिंथ बीम का एरिया होगा वो आप पार्किंग वाले एरिया में भले कट कर सकते हो, और जो घर का अंदर का पूरा लेवल होगा जहाँ पे कमरे हैं, ड्राइंग रूम है, किचन है, वो लेवल पूरा 4-4.5 फीट तक कर लो, और जो पार्किंग का एरिया वो थोड़ा डाउन कर सकते हो। आप पार्किंग एरिया डाउन करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, मान लो 10 साल बाद या 20 साल बाद आपके घर की जो सड़क है वो ऊँची हुई, तो आपका लगता है कि यार दबने लगा मेरा जो है ये गेट है दबने लगा है, फिर रैंप मेरा दबने लगा है, तो आप अंदर की पार्किंग के लेवल ऊंचा करके आप उसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। हाँ, ये थोड़ा सा गेट भी शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर, लेकिन कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो इतना ध्यान रखो, प्लिंथ बीम इसलिए खास कर जरूरी है कि रोड लेवल्स के कितना ऊंचा रखना है। अब आते हैं प्लिंथ बीम की दूसरे फैक्टर के दूसरे नज़रिए से देखें तो क्यों ज़रूरी है। एक तो आपकी प्लिंथ बीम जब होती है तो प्लिंथ बीम नीचे, मैंने जो बताया था कि आपको ब्रिक वर्क करना है तो ब्रिक वर्क करा सकते हो बिल्कुल, अगर स्पंज ज़्यादा तो ब्रिक वर्क करनी होगी, कम है तो छोड़ सकते हो थोड़ा सा, अगर 10 फीट से कम है या फिर 5-6 फीट या 4-5 फीट की दूरी पे है तो वहाँ प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क ना कराओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा लंबा स्पैन है तो वहाँ आपको ब्रिक वर्क करना पड़ेगा। अब प्लिंथ बीम का साइज कितना रखते हैं, अब देखो साइज ये आपका जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा वही देगा कि आपका घर कितना बड़ा है, घर कितने फ्लोर का है, ठीक है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अब मैं ऐसे बोल दूँ 9x9, 9x12 ऐसा गलत है यार, सरिया कितनी होगी, सरिया भी आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर देगा, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा कि सरिया कितने होंगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि 16 से कम तो जाएगी नहीं भाई, अधिकतर आजकल क्या है अपने बहुत आप में जितने लोग देख रहे हो अपने आसपास कोई 12 mm की सरिया डाल रहा है, कोई 10 mm की सरिया डाल रहा है, प्लिंथ बीम में कॉलम भी 12 के चल रहे हैं, 10 के भी कॉलम, 10 mm में भी कॉलम चल रहे हैं, रिंग 1-1, 2-2 फीट की दूरी पर बन रही है, मतलब खाली वो कॉलम बीम कहने के लिए कॉलम बीम पे स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन वो इससे एक तरह से 9 इंच की दीवार पे आप वो स्ट्रक्चर बना लो तो ज़्यादा बेटर है, वो खाली फॉर्मेलिटी लोग अदा करते हैं कॉलम बीम कहने के लिए, हाँ कॉलम बीम पे हमने घर बनवाया, बेकार है वो उस तरह करवाना। तो आपको जो सरिया होगी, जो स्टील होगी, जो आपका साइज होगा प्लिंथ बीम का, वो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर देगा कि इसमें क्या साइज रखेंगे, ठीक है। जब आप प्लिंथ बीम बना लोगे, अब आता है नंबर DPC का, तो DPC, अब यहाँ पे DPC लोग कहते हैं डैम प्रूफ पोर्स, अगर आपने प्लिंथ बीम हाइट पर रखा है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मिट्टी कैसे भरी जाएगी, मिट्टी फिल करोगे ना भाई, आपने प्लिंथ बीम इतनी ऊंचाई तक 4 फीट की हाइट तक लिया, अब उसमें गैप रहेगा तो मिट्टी तो भरोगे बाहर से, तो मिट्टी जो भरोगे वो प्लिंथ बीम के लेवल से नीचे भरोगे, तो इससे क्या, जब भी प्लिंथ बीम के ऊपर जब आप ब्रिक वर्क करना शुरू करोगे ना, तो प्लिंथ बीम ही एक तरह से DPC का ही काम करती है, अगर उसको आप थोड़ा सा ध्यान देके काम करवाते हो तो। DPC दोस्तों अलग से डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो कि प्लिंथ बीम डालो तो जो आप मिट्टी फिल कर रहे हो ना, तो मिट्टी फिल प्लिंथ बीम के जो टॉप का लेवल है उससे नीचे रखो, उस पर फिर जो भी आपको कंक्रीट डालनी है, PCC डालनी है, ईंट के रोड़े, ब्रिक बैलास्ट यूज करवाना हो या फिर पत्थर लगवाना हो, वो प्लिंथ बीम तक करवा लो, मतलब कहने मतलब मिट्टी का जो लेवल है वो प्लिंथ बीम के ऊपर ना आए, प्लिंथ बीम के ऊपर अगर मिट्टी आ जाती है तो मिट्टी जैसे कहीं ना कहीं से पानी का सोर्स तो मिलेगा नीचे से, उसको मिट्टी गीली रहेगी, तो मिट्टी गीली होगी तो आपकी दीवार भी गीली होगी, दीवार गीली होगी तो मॉइस्चर जो है हल्का सा एब्जॉर्ब करके ईंट जो है ऊपर पहुंचाएगा, तो उसे सिलाने आपके घर में इस तरह की चीज़ें आएंगी, दिक्कत होंगी। तो अब देखो ट्रीटमेंट करने के कैसे तरीके हैं, लेकिन उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो आप हाँ कुछ सालों के लिए, 3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए बच सकते हो, लेकिन परमानेंट सोचो कि मैं एक बार ये ट्रीटमेंट करा लूँ तो आप उससे जो है बच जाओगे हमेशा के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो बस ये शुरुआती का घर बना रहे शुरुआत से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सेफ रख सकती हैं, आपकी दीवारों को सीलन आने से बचा सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। DPC भी लोग डालते हैं, DPC खाली देखो बहुत सारे लोग होते हैं 2 इंची खाली डालते हैं, या 2 इंची डालने का कोई मतलब नहीं होता ना, DPC कम से कम 3 इंची डालूँ, अब उसमें सरिया लगाते हैं, सरिया डालने से कोई खास फायदा, क्या मजबूती बना लोगे उसमें। हाँ DPC होता है, चलो डैम प्रूफ कोर्स होगी आपने, लेकिन जो उसके DPC के ऊपर आपकी सिलन नहीं आएगी, नीचे जितनी ऊँची होंगी वहाँ सिलन आती है, लेकिन अगर DPC डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्लिंथ बीम ढंग से डलवाते हो तो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आप जो है अगर वो वाली जो एक तो प्लिंथ बीम और DPC जो सीलन डैम प्रूफ कोर्स वाली, वो वीडियो आप नीचे लिंक पे देख सकते हो। दोस्तों आपको खाली DPC डालने की जरूरत खास पड़ती है अगर आप प्लिंथ बीम अच्छे से डाल लेते हो तो, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपको अगर शुरुआत से घर बना रहे हो तो, इसलिए मैंने स्टेप वाली पूरी स्टेप बाई स्टेप मैं समझा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो होगी कि आप जब प्लिंथ बीम बन गई, आप प्लिंथ बीम के बाद करना क्या है, इसके बाद क्या स्टेप आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।